हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीफोर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इनइक्वालिटीज का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट कल डिस्कस कर लिया था, जिसने भी वो क्लास अटेंड नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो में भेज दिया था, वो वीडियो देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 21, राइट। प्रियाक्षी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? इफ यू कैन नॉट सोल्व इट, यू कैन जस्ट से तकलीफ हो रहा है। फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। तो पहले एम से आर तक जाना होगा। एम कहाँ पर है? यहाँ पर है। आर कहाँ पर है? यहाँ पर। कॉमन कौन सा है? क्यू। क्यू इज कॉमन। तो एम से क्यू तक जाना होगा, आफ्टर डेट क्यू से आर तक जाना होगा, ठीक है। नहीं, एम से क्यू तक जा पाओगे क्या? एम से क्यू तक नहीं, उल्टा साइन आ गया, नहीं जा पाओगे, ये खत्म। नेक्स्ट पी से एम तक जाना होगा, पी से एम तक। P कहाँ पर है? यहाँ पर। M कहाँ पर है? यहाँ पर। कॉमन कौन सा है? Q इज कॉमन इन दिस बोर्ड स्टेटमेंट। पहले P से Q तक जाना होगा, Q से M तक। ये क्या है? ग्रेटर। हाँ, ये क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या है? ग्रेटर। इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। ग्रेटर ग्रेटर मिलकर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ये ग्रेटर है, P ग्रेटर देन M। हाँ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अभ्यराज। यस सर। क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 22 का, इफ यू कैन नॉट डू इट, जस्ट कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व इट। यस सर। सबका आइडिया और सर बुली नहीं होगा सर, बुली पाने नहीं पाना। कैबेरस सी, हम लोग हमेशा ना जो ग्रेटर है, जो एरो है, वो ग्रेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो ऑप्शन है और कंक्लूजन है, कंक्लूजन वन, एल ग्रेटर देन ओ, हाँ ठीक है। नहीं, एल ग्रेटर देन ओ, यस सर। तो एरो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एल से। कहाँ खत्म करेंगे? ओ तक। ओ में एरो खत्म करेंगे, एल से स्टार्ट होगा, ओ में खत्म। एल कहाँ पर है? यहाँ पर है एल। ये देखो, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ओ कहाँ पर है? यहाँ पर है। मतलब L से स्टार्ट होना पड़ेगा एंड O पे आकर खत्म होना पड़ेगा। कॉमन कौन सा है? N है। दोनों में कॉमन कौन सा है? N है। तो L से N तक जाना होगा पहले, आफ्टर दैट N से O तक आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अभी देखो, yes. जब L से N तक जाओगे, इस एरो को ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं? हाँ, yes. ये उल्टा सिंबल आ गया, yes, sir. तो ये क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओ से एल तक जाना होगा, ओ से एल तक। यहाँ पर ओ ग्रेटर है ना, तो ओ से एल तक जाना होगा। ओ से कहाँ तक जाओगे? एन तक। एन, यस, बिकॉज दोनों में कॉमन कौन सा? एन ही है। एन से कहाँ तक? एल तक। ओ से एन तक आराम से जा पाओगे, इक्वल साइन क्रॉस हो जाओगे। एन से जब एम तक आ सकते, हाँ, एल तक आओगे तो उल्टा साइन आ गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड जो जिसने भी आइडर बहुत सारा ऑप्शन, मतलब कमेंट आ रहा था, आइडर 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 नहीं होगा, आइडर क्यों होगा?
देन एल ग्रेटर, बॉर्डर फॉल्स। हाँ दोनों फॉल्स होगा। आई डोंट नो क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एक सिंबल मिसिंग है, वन सिंबल इज मिसिंग, इक्वल इज मिसिंग, एल ग्रेटर देन ओ एंड ओ ग्रेटर देन एल, मतलब एल स्मॉलर देन ओ, ग्रेटर और इक्वल है, सॉरी ग्रेटर और स्मॉलर है, इक्वल भी तो हो सकता है, बट इक्वल साइन इज मिसिंग हियर ना, तो ये आइदर और नहीं यस होगा, ये नाइदर नॉर होगा, ये नाइदर नॉर होगा, बोथ रॉन्ग होगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉल्स और डज नॉट फॉलो होगा, दोनों रॉन्ग हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कुकिल। कुकिल क्वेश्चन नंबर 23। अभिषेक क्वेश्चन नंबर 23। सर बोथ फॉल्स। बोथ फॉल्स, ठीक है, और प्रियक्षी ने बोल रहा है बोथ ट्रू। ठीक है, वाई ग्रेटर देन ए, ये क्या है, वाई ग्रेटर देन ए, हम लोग हमेशा जो बड़ा है उसको पहले हम लोग बोलेंगे, वाई इज ग्रेटर देन ए, जो बड़ा है वहां से स्टार्ट करेंगे। वाई, वाई कहां पर, यहां पर है, ए कहां पर है, यहां पर, कॉमन कौन सा है, सी, यहाँ सी, वाई तक सी, वाई से सी तक आप पाओगे क्या, उल्टा सिंबल यही आ गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पी से बी तक जाना होगा, पी से बी तक, पी यहां पर है, बी यहां पर है, कॉमन कौन सा है, सी इज कॉमन, पी से सी तक जाना होगा, सी से बी तक, ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ये क्रॉस कर सकते हैं, एंड इक्वल, हाँ क्रॉस कर सकते हैं, इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ये यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, है कि नहीं अभिषेक, यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सागर क्वेश्चन नंबर 24, अभिषेक यू कैन पुट ऑफ योर माइक। सागर क्वेश्चन नंबर 24। हिरेम्बा ने बोल रहा है दोनों ट्रू है ना, देखते हैं सर, बोथ ट्रू, बोथ ट्रू। ठीक है, क्यू से भी तक जाना होगा, क्यू कहां पर है, यहां पर, भी कहां पर है, यहां पर, कॉमन कौन सा है, पी, क्यू से पी तक जाना होगा, पी से भी तक, क्या क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर, ये दोनों तीनों मिलकर क्या मिलेगा, ग्रेटर, तो ये इसमें ग्रेटर है, करेक्ट। नेक्स्ट जी से बी तक जाना होगा, अगेन जी से बी तक जाओगे तो जी से पी तक जाना होगा, पी से बी तक, इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ जितना भी सिंबल्स है सब मिलकर क्या होगा, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर, ये सब मिलकर क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये भी सही, बोथ ट्रू। एनिशा क्वेश्चन नंबर 25। सर ट्रू 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 ट्रू, एम से भी तक जाना होगा, एम से भी तक, एनिशा प्लीज ऑन योर माइंड, यस सर, ठीक, एम कहां पर है, यहां पर है, भी कहां पर है, यहां पर है, कॉमन कौन सा है, क्यू है, दोनों में, एम से क्यू तक जाना होगा, एम से क्यू तक, क्यू से भी तक, ठीक है, इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला, हाँ या ना, इक्वल इक्वल साइन क्रॉस कर सकते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला सिंबल,
सर नो, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आर से क्यू, आर से क्यू, आर यहां पर है, क्यू यहां पर है, एक ही लाइन में मिल गया आर क्यू, एक ही स्टेटमेंट में मिल गया, इसको क्रॉस कर सकते हैं? यस। इसको? यस। इसको भी क्रॉस कर सकते हैं? यस। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या सिंबल मिलेगा? ग्रेटर ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर इक्वल नहीं, ग्रेटर मिलेगा। क्या है? आर ग्रेटर देन क्यू है यहाँ पर, आर ग्रेटर देन क्यू। हाँ, स्टार्ट कहाँ से किया था? आर से, तो यहाँ भी आर से स्टार्ट करेंगे, आर ग्रेटर देन क्यू, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मनीष, बोथ ट्रू सर, बोथ ट्रू। पी से वाई तक जाना होगा, पी यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, कॉमन कौन सा है? जे इज कॉमन। पी से वाई तक जाना होगा, पी इज ग्रेटर देन वाई, पहले पी से जे तक जाऊंगे, उसके बाद जे से वाई तक, इसको क्रॉस सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, ये वाला सिंबल, ये वाला एरो, इस सिंबल को क्रॉस सकते हैं? हाँ क्रॉस कर सकते हैं आराम से, इसको, यस। क्या मिलेगा? ग्रेटर, ग्रेटर एन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या बनेगा? ग्रेटर, ये पी ग्रेटर देन वाई, हाँ ये सही है। नेक्स्ट, क्यू से जेड तक जाना होगा, क्यू यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द बोथ स्टेटमेंट? जे इज कॉमन, क्यू से जेड तक जाना पड़ेगा एंड जे से जेड तक, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर, ये तीनों सिंबल मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर, यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन जेड, यस ट्रू, सही है, यस सर। पास हुई जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर थ्री स्टेटमेंट्स है, एक ये वाला, एक ये एंड, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आर से पी तक जाना होगा, सी आर यहाँ पर है, इज देयर एनी आर, कहीं और आर है क्या? नहीं है। सी ये वाला स्टेटमेंट में देखो, आर किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर क्या गिवन है? आर इज ग्रेटर देन पी, ये वाला, इस वाला स्टेटमेंट देखो, आर स्मॉलर देन डब्ल्यू एंड आर स्मॉलर देन एस, तो ये डायरेक्ट फॉल्स ही हो जाएगा, क्योंकि आर बड़ा हो ही नहीं सकता किसी से भी। नेक्स्ट, डब्ल्यू ग्रेटर देन क्यू, W यहाँ पर है, U यहाँ पर, कॉमन कौन सा है दोनों में? S, W से S तक जाना होगा, S से U तक, इसको इक्वल, हाँ यस, क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, ये उल्टा सिंबल आ गया, तो ये भी कर दो। हेरम्बा, क्वेश्चन नंबर 28 हरम्बा, क्वेश्चन नंबर 28 ओनली टू, फर्स्ट वाला रॉन्ग। एल से ई तक जाना होगा, एल यहां पर है, ई यहां पर है, दोनों में कॉमन कौन सा है? आई, L से I तक जाना होगा, I से E तक, L से I तक जब जाओगे, ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, इसको, यस। ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, ये दोनों मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर, बट यहाँ पर कौन सा सिंबल? ग्रेटर देन इक्वल, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट एस से ई तक, एस से आई तक जाना होगा, आई से ई तक जाना होगा। ये वाला सिंबल यस क्रॉस कर सकते हैं इसको, हाँ यस डेफिनेटली यू कैन क्रॉस इट, इसको हाँ क्रॉस कर सकते हैं। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड अगेन ग्रेटर, ये तीनों मिलकर क्या आएगा ग्रेटर। स्टार्ट कहाँ से किया था, एस से, एस ग्रेटर देन ई, हाँ ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29, हेरम्बा यू हैव डाउट, फास्ट ट्रू नहीं होगा, फास्ट फॉल्स होगा। फास्ट का जो कंक्लूजन मिला था ग्रेटर मिला था, यहां पर कौन सा है ग्रेटर देन इक्वल, दैट इज वाई ये क्या होगा फॉल्स होगा। बोथ फॉल्स 29, बोथ फॉल्स। ई से बी तक जाना होगा, ई से बी तक, ई कहाँ पर है यहाँ पर, बी कहाँ पर यहाँ पर, दोनों में कॉमन कौन सा, ए इज कॉमन। ई से ए तक जाना होगा, आफ्टर दैट ए से बी तक, ई से जब ए तक जाओगे वहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि ये उल्टा सिंबल मिल गया, तो वन क्या होगा फॉल्स होगा, वन क्या होगा फॉल्स होगा, मतलब फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट ई से अगेन सी तक जाना होगा, जब ई से सी तक जाओगे ई से ए तक जाना होगा, ए से सी तक जाना होगा, फिर से उल्टा सिंबल आ गया, दोनों फॉल्स हो गया यहाँ पर, हाँ दोनों फॉल्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, टपोसी ट्रू फॉल्स, मतलब फास्ट फॉलो होगा सेकेंड फॉलो नहीं होगा। जी से एफ तक जाना होगा, जी यहाँ पर है और एक जी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, हाँ एक ही स्टेटमेंट काम चल जाएगा। इसको यस क्रॉस कर सकते, इस ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते, हाँ डेफिनेटली यू कैन क्रॉस इट, पहला वाला ट्रू हो जाए क्योंकि ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड इक्वल मिलकर क्या होगा ग्रेटर आएगा। लेकिन एच से आर तक जाना हो, आर से एच तक, सॉरी आर से एच तक, आर कहाँ पर यहाँ पर, एच कहाँ पर है यहाँ पर, व्हाट इज कॉमन, जी इज कॉमन, तो आर से जी तक जाना होगा, जी से एच तक। वेन एवर वी ट्राई टू क्रॉस दिस सिंबल, इस एरो के साथ ये वाला सिंबल क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये उल्टा सिंबल आ गया, तो इसको काट दो। क्वेश्चन नंबर 31, नम्रता, सबका बोथ ट्रू आ रहा है, बोथ ट्रू था। सी से एस तक जाना होगा, यहाँ ऑलरेडी गिवेन है सी से एस, यही यहाँ पर आकर लिख दिया, तो ये करेक्ट ही हो गया। नेक्स्ट ये वाला चेक करते हैं, वी से क्यू तक, वी से एस तक जाना होगा, एस से क्यू तक, क्या क्या सिंबल मिला, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल अगेन ग्रेटर देन इक्वल एन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल क्यू, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, बर्नाली, ओनली टू आ रहा है, बर्नाली कैन यू सॉल्व इट, फाइन। क्वेश्चन नंबर 32,
एस से वाई तक जाना होगा, एस से वाई तक। एस कहाँ पर? यहाँ पर। वाई कहाँ पर? यहाँ पर। दोनों में कॉमन कौन सा है? डब्ल्यू। एस से डब्ल्यू तक जाना होगा, डब्ल्यू से वाई तक। तो यहाँ पर देखो, वाई किसी से स्मॉलर हो ही नहीं सकता। वाई इज ग्रेटर देन टी, वाई स्मॉलर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वाई स्मॉलर दे रहा है, इसको भी काट दो। वाई स्मॉलर हो ही नहीं सकता, वाई इज ग्रेटर देन डी। यहाँ पर वाई इज स्मॉलर देन एस, तो वाई स्मॉलर हो ही नहीं सकता। टी से भी तक जाना होगा, डब्ल्यू इज कॉमन, टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से भी। इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको डेफिनेटली, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। क्या क्या सिंबल मिलेगा? ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर, ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर। ये क्या है? ग्रेटर है। एन से एफ तक जाना होगा, एन से एफ तक। एन कहाँ पर है? यहाँ पर है। एफ कहाँ पर है? यहाँ पर। दोनों में कॉमन कौन सा है? एम इज कॉमन। एन से एम तक जाना होगा, एम से एफ तक। इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको डेफिनेटली यस। सिंबल क्या क्या मिलेगा? ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आएगा आंसर? ग्रेटर आएगा। यहाँ पर ग्रेटर है, हाँ। नेक्स्ट एस से जे तक जाना होगा, एस से जे तक, एस से जे तक। एस इज ग्रेटर देन जे ना, तो एस से जे तक जाना होगा। एस यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, कॉमन कौन सा है? एम। एस से एम तक जाओगे, एम से जे तक। ये सिंबल इस एरो को क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। इक्वल साइन, यस। अगेन ग्रेटर देन इक्वल, यस। सिंबल क्या क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। एस ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल से, हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34। फॉल्स 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 फॉल्स। जे से एस तक जाना होगा, जे यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, कॉमन कौन सा है? एन इज कॉमन। जे से एन तक जाना होगा, एन से एस तक जाना होगा। ये सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। इसको क्रॉस कर सकते हैं, नो। ये क्या मिल गया? उल्टा सिंबल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, सी से एफ तक। सी से एफ तक हम लोग फेक ही नहीं करेंगे। एस एफ के साथ क्या है? ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल हो ही नहीं सकता। एफ के साथ क्या है? मतलब ये थोड़ी ग्रेटर नहीं है, एफ स्मॉलर है, स्मॉलर देन इक्वल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इक्वल साइन, एफ के साथ इक्वल साइन है ही नहीं। इनका कंक्लूजन यहाँ पर इक्वल साइन है, तो ये इसको डायरेक्ट काट दो, चेक मत करो। क्वेश्चन 35। एफ से बी तक जाना होगा, एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, कॉमन कौन सा? ई है। एफ से ई तक जाना होगा, अगेन ई से बी तक आना होगा। इसको क्रॉस कर सकते हैं, डेफिनेटली यस। इसको यस, इसको भी यस। क्या क्या मिला? ग्रेटर, ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर। यहाँ पर ग्रेटर है, हाँ है। नेक्स्ट, जी से एल तक जाना होगा, जी से एल तक। जी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, दोनों में कॉमन कौन, व्हाट इज कॉमन? ई इज कॉमन बिटवीन इन बोथ द स्टेटमेंट। जी से ई तक, ई से एल तक। इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ यस। ये वाला भी यस, इसको यस, 12 साइन यस।
greater than equal, greater, greater than equal and equal, ये सब मिलकर क्या बनेगा, greater, b greater than l, yes. अभी a b c d e, ऐसा आएगा ऑप्शन, ऐसा होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन ई, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, एम से एफ तक जाना होगा, एम यहां पर है, एफ यहां पर है, यहां पर है, कॉमन क्या मिल रहा है, एन, एम से एन तक जाना होगा, एन से एफ तक जाना होगा, इसको क्रॉस कर सकते हैं डेफिनेटली, ये उल्टा सिंबल आ गया तो ये खत्म, पहला वाला नहीं होगा. नेक्स्ट, ए से एफ तक जाना होगा, ए से एफ तक, ए से पहले जी तक जाना होगा, जी से एफ तक, ए से जी तक जा पाओगे, हाँ यस, यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, ऑप्शन बी वाला माइनस 1.25 मार्क्स हो गया. ठीक है, अभी एन से हाँ ठीक है, डाउट था, एन से जी तक एन कहां पर है, यहां पर एन यहां भी है, एन ग्रेटर हो ही नहीं सकता, इस वाला स्टेटमेंट भी एन स्मॉलर देन इक्वल, ये वाला स्टेटमेंट भी एन स्मॉलर देन इक्वल, एन ग्रेटर हो ही नहीं सकता, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, ऑप्शन ई होगा, किसी का कुछ डाउट है, इन दोनों स्टेटमेंट में देखो, एफ स्मॉलर हो ही नहीं सकता, एफ स्मॉलर हो ही नहीं सकता, यहां पर भी एफ ग्रेटर है, किसी से ग्रेटर है, यहां पर भी एफ किसी से ग्रेटर ही है, यहां पर एफ स्मॉलर बना दिया, इसको भी एफ स्मॉलर बना दिया, सी से सी तक जाना होगा, सी यहां पर भी है, यहां पर भी है, सी यहां पर है, पी से डी तक जाना होगा, पी से डी तक जा पाओगे, हाँ सी से सी तक डेफिनेटली यस, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर मिलकर क्या बनेगा, ग्रेटर, तो पी इज ग्रेटर देन सी, यस. नेक्स्ट इक्वल, डी इज इक्वल टू क्यू, इक्वल के लिए इक्वल चाहिए ही चाहिए, D एंड Q इक्वल होने के लिए, D के साथ इक्वल साइन है, रुक जाओ, ये आइडर केस में आएगा, नहीं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि D के साथ डायरेक्ट इक्वल नहीं है, अभी यहां पर D Q है नहीं,
ये वाला तो डायरेक्ट करेक्ट हो गया। कंक्लूजन थ्री में डी एन क्यू है नहीं, पी एन आर है, तो ये रॉन्ग हो गया। पी से आर तक जाना होगा। सी आर ग्रेटर देन इक्वल है, आर स्मॉलर हो ही नहीं सकता, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, आर ग्रेटर देन इक्वल क्यू है, आर स्मॉलर हो सकता है क्या? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर? फोर स्टेटमेंट्स। इन सारो स्टेटमेंट में कहीं आर स्मॉलर है क्या किसी से? नहीं है, तो कंक्लूजन थ्री भी रॉन्ग हो गया, तो ओनली वन फॉलोस। 38 सर काइंडली कैन यू प्लीज ऑन योर माइक। Can you please on your mic? किसने बड़ा सा मैसेज दिया था? 37 का क्या था? कुछ डाउट था क्या 37? हाँ, क्या डाउट था? प्लीज ऑन योर माइक ना स्पीक। Anonyms. कहां पर डाउट है 37 का? Anonyms. अरे ब्रो बोल दो ना। Why conclusion 2 does not follow? Yes, why conclusion 2 does not follow? ठीक है, conclusion 2 क्यों follow नहीं हुआ? See, D is equal to Q है। अगर मैं तीनों को मिला दिया क्या क्या मिलेगा? तो हाँ, ये तीन एंटिटी को अगर मिला दिया तो ये वाला रिलेशन बनेगा। यहां से क्या आएगा conclusion? D स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू, डी स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू, बट यहां पर क्या गिवेन है? इक्वल गिवेन है। डी स्मॉलर देन इक्वल क्यू का मतलब क्या है? आइदर डी स्मॉलर देन क्यू और डी इज इक्वल टू क्यू, बट यहां पर सिर्फ डी इज इक्वल टू क्यू गिवेन है, इसको भुला दिया, दैट इज वाई ये रॉन्ग हो गया। वी डोंट नो, वी एग्जैक्टली डोंट नो डी स्मॉलर देन क्यू होगा या डी इक्वल टू क्यू होगा, एग्जैक्टली वी डोंट नो इन दोनों में से कौन सा होगा, बट यहां पर एक ही गिवेन है, दैट इज वाई ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 38। ए से बी तक जाना होगा, ए से यहां पर है, बी यहां पर है, इसको ये पहले ही उल्टा सिंबल आ गया, काट दो। एन से जे तक जाना होगा, एन यहां पर है, जे यहां पर है और एक जे है, जे यहां पर भी है, दोनों तीनों में कॉमन कौन सा है? एन से ओ तक जाना होगा, ओ से जे तक जाना होगा, ये एक रास्ता है जाने के लिए। ये ग्रेटर देन इक्वल है और एक इक्वल है, दोनों मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, यहां पर ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बट द थिंग इज दैट ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है आइदर एन ग्रेटर देन जे और एन इज इक्वल टू जे। यहां पर एन ग्रेटर देन जे गिवेन है एंड एन इज इक्वल टू जे भी गिवेन है, तो ये क्या होगा? आइदर कंक्लूजन टू और कंक्लूजन थ्री फॉलोस।
either conclusion 2 or conclusion 3 follows. Clear? Question number 39. ऑप्शन डी पी से आर तक जाना होगा. पी यहां पर है, आर यहां पर है, इसको क्रॉस कर सकते हैं. हाँ डेफिनेटली इसको यस, ये वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर. नाउ एल इज इक्वल टू आर, इक्वल होने के लिए पूरा इक्वल साइन ही चाहिए, इसको काट दो डायरेक्टली. ये इक्वल साइन यहां पर डायरेक्ट इक्वल रहना चाहिए, नहीं तो ये आइडर में आएगा. ठीक है, तो अभी के लिए काट दो. M से S तक जाना होगा, M यहां पर है, S यहां पर है, कॉमन. व्हाट इज कॉमन? N कॉमन है. M से N तक जाना होगा, N से S तक जाना होगा. ये थ्री क्यों होगा, थ्री गलत होगा. M से N तक जा पाओगे? हाँ. N से S तक उल्टा सिंबल आ गया, ये रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो ओनली वन इज ट्रू. किसी को डाउट है क्या? आफ्टर दैट एस स्मॉलर हो ही नहीं सकता, एस इज ग्रेटर देन एन, एस स्मॉलर हो ही नहीं सकता. यहां पर एस स्मॉलर देन एम है. ठीक है, क्वेश्चन 40. ऑप्शन डी ये आय होना चाहिए. ठीक है, ये आय वन नहीं, ये आय होना चाहिए. एफ से एन तक जाना होगा, एफ यहां पर है, एन यहां पर है, एफ से एन तक. हाँ ये क्रॉस कर सकते हैं, हाँ ये भी क्रॉस कर सकते हैं. तो क्या क्या मिला? ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल मिलकर क्या होगा? ग्रेटर होगा, तो पहला वाला करेक्ट. आई इज इक्वल टू क्यू, आई इज इक्वल टू क्यू, आई इज इक्वल टू टी, क्यू के साथ इक्वल है ही नहीं, तो काट दो. I greater than L, I यहां पर है, L यहां पर है, I से L तक जाना होगा, I से L तक जाना होगा. हाँ greater and equal मिलकर क्या होगा? greater होगा. तो ऑप्शन E, only one and three is true. Any doubt? Any doubt? इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? बहुत सारा गलत आंसर आया था. कुछ डाउट है? शुड आई रिपीट? ओके फाइन. 41. K से R तक जाना होगा,
के कहाँ पर है, यहाँ पर है। आर कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सी इज कॉमन, के से सी तक जाना होगा, सी से आर तक। इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली यस। इसको हाँ यस। क्या क्या मिला, ग्रेटर एंड ग्रेटर दोनों मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर। तो वन करेक्ट। ई से बी तक जाना होगा, सी। बी स्मॉलर हो ही नहीं सकता, बी इज ग्रेटर देन सी, बी स्मॉलर हो ही नहीं सकता, काट दो ये। सी से ई तक जाना होगा, अगेन ई स्मॉलर हो ही नहीं सकता, ई इज ग्रेटर देन एम, ई स्मॉलर हो ही नहीं सकता, इसको भी काट दो। तो ओनली वन इज टू। 42 True, false, true। S से इस तक जाना होगा, S कहाँ पर है, यहाँ पर। H कहाँ पर है, यहाँ पर। Common कोई भी नहीं है। और देखो, S से R तक जाना होगा, R से O तक, O से H तक, तब जा पाओगे, हाँ definitely। S ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ यस। इस ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ यस। ये वाला भी यस। क्या क्या मिलेगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, तीनों मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर। ये ग्रेटर है, हाँ पहला वाला करेक्ट। आर से जी तक जाना होगा, आर यहाँ पर है, आर से ओ तक जाना होगा, ओ से जी तक, सिंबल, हाँ इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, इसका हाँ, इसको यस। क्या क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल मिलकर क्या होगा, ग्रेटर होगा, बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यू से जी तक जाना होगा, अगेन यू से आर तक जाना होगा, आर से ओ तक, ओ से जी तक, इसको ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ यस। ये वाला यस, इसको भी यस, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन क्रॉस ईच एंड एवरी सिंबल। क्या क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, सब मिलकर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटर, ये ग्रेटर। तो फर्स्ट कंक्लूजन एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 43। True, false, true। U से Y तक जाना होगा, U यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, common X, U से X तक जाना होगा, X से Y तक। इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं, हाँ यस। इक्वल को यस, अगेन ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर, यस। क्या क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर, तीनों मिलकर क्या होगा, ग्रेटर, पहला वाला सही। भी से इस तक जाना होगा, भी कहां पर है, यहां पर। एच कहां पर है, यहां पर। कॉमन इज एक्स, भी से एक्स तक जाना होगा, एक्स से एच तक, एक्स से एच तक, ये उल्टा सिंबल आ गया, काट दो। नेक्स्ट एक्स, डब्ल्यू से एक्स तक, एक ही स्टेटमेंट काम चल जाएगा, W से X तक। इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको यस, इसको भी यस। तो क्या क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तीनों मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर, W इज ग्रेटर देन X, ये भी सही।
True, false, false. True, false, false. और क्या क्या आंसर आया था? वन टू एक ने, वन टू एनोनिम्स ने बोला था शायद, वन टू ट्रू होगा। पहले ये कंफ्यूजन वन को देखो, आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी, मतलब आर के साथ इक्वल भी है ये प्राचुर्य। माइक ऑन करो। ट्रू सब सबको मिल रहा है, वन ट्रू, कंफ्यूजन वन ट्रू मिल रहा है सबको। अरे भाई देखो यार, आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी, सेकी मत करो, आर के साथ एक इक्वल है। आर कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर कहीं इक्वल साइन दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। बाकी कॉन्सेप्ट मारो गुली। बाकी ये देखो, आर के साथ क्या है, एक इक्वल साइन भी है, इसका मतलब क्या है, आर ग्रेटर देन वी और आर इक्वल टू वी, यहाँ पर इक्वल साइन दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? को काट दो। वाई से यू तक जाना होगा, वाई से भी तक जाओगे, भी से यू तक, उल्टा सिंबल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या क्या मिलेगा? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर, ये सब मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर सेकेंड इज ट्रू। अगेन टी से यू तक जाना होगा, टी कहाँ पर है? यहाँ पर। यू कहाँ पर है? यहाँ पर। टी से यू तक जाने के लिए टी से वाई तक जाना होगा, वाई से भी तक जाना होगा, भी से यू तक जाना होगा। उल्टा सिंबल ये मिल गया, टी से जब वाई तक जाओगे उल्टा सिंबल मिल गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अरे पहला वाला क्यों ट्रू बता दिया था? क्वेश्चन नंबर 45। ट्रू ट्रू फॉल्स, जिसने भी इसको ट्रू बनाया था ना, आई थिंक दे आर टेक्स्टिंग टू समवन, कुछ अलग काम कर रहे हैं वो लोग। पूछ रहा है बाबू ने खाना खाया, 9:30 हो गया, ये सब ही चल रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल साइन है, यहाँ पर इक्वल साइन है ही नहीं, ये क्यों गलत हो, सही मतलब हाँ गलत हो गया था। बाबू ने खाना खा लेगा, अभी तुम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करो। क्यू से आर तक, क्यू कहाँ पर है? यहाँ पर। आर कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन यू मिल गया। क्यू से यू तक जाओगे, यू से आर तक, उल्टा सिंबल मिला क्या? नहीं मिला। क्या क्या मिला? एक ग्रेटर इक्वल, दोनों मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर। पहला वाला सही। हेलो सर, ये जो ऊपर क्वेश्चन है 44 ना, उसमें अगर इक्वल नहीं होने से बाय चांस ना, तो उसको किस तरफ से जाना होता फिर? तब हम आर से भी तक, सेम कटे आर से भी तक, सपोज इक्वल ना हो, आर से भी इक्वल हो कहाँ इक्वल हो, यहाँ पर या यहाँ पर? इक्वल यहाँ पे होने से तभी तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा ना, वो चीज आर जो, नहीं नहीं स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में? कंक्लूजन में इक्वल होने से ही तो मतलब वो जो ऑप्शन है वो राइट होगा तो ना। यहाँ पर आर इक्वल भी नहीं, नहीं नहीं ये नहीं स्टेटमेंट सर, यहाँ पर मतलब, हाँ स्टेटमेंट में सर, मतलब जिससे अभी आर ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो स्टेटमेंट में आर ये जो मतलब दोनों जो सिंबल है हाँ। वहाँ पे कोई ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल होने से तो हम लोग जाना था ना हाँ। तो अभी उसमें से रॉन्ग हुआ, मैंने इसको इक्वल एक बार यहाँ इक्वल बना दिया, इसको भी इक्वल बना दिया, इसको भी इक्वल बना दिया, ठीक है। भी इक्वल होना चाहिए ना, अगर सिर्फ यहाँ पर इक्वल होने से हो जाता तो यहाँ पर भी, यहाँ तब मैं ये कहूंगा कि भी किसी से इक्वल है ही नहीं,
यस सर। तो इसको सर ये आर से मतलब कैसे मूव करेगा वो चीज ना, आर से हम लोग वाई पे आएंगे ना। हाँ आर आर से वाई पे आएंगे आफ्टर डे वाई से भी ना। ओके ठीक है या तो 45 ये वाला तो हो गया सही। y से v तक, y यहाँ पर है, v यहाँ पर है, v कहीं और है क्या? नहीं है, v किसी से स्मॉलर हो ही नहीं सकता, v ग्रेटर बन रहा है। v स्मॉलर हो सकता है क्या? नहीं, काट दो इसको। नेक्स्ट r से q तक, q यहाँ पर है, r कहीं q है क्या? नहीं है। क्या ये इक्वल हो सकता है? इसके साथ इक्वल है? नहीं हो सकता, को भी काट दो। सारा का सारा फॉल्स या पहला वाला फॉल्स? सर पहला वाला। बाकी का All false. U से C तक जाना होगा। U कहां पर है? यहां पर। C यहां भी है, यहां भी है। U से X तक जाना होगा, X से C तक। उल्टा सिंबल मिल गया, इसको काट दो। X से O तक जाना होगा, X से C तक जाऊंगा, C से O तक। उल्टा सिंबल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, मतलब सारा का सारा सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं। इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर रहेगा, एक्स ग्रेटर एन ओ, सेकेंड इज ट्रू। एनोनिम्स गॉट इट। नेक्स्ट आर से एल तक जाना होगा, आर से एल तक। R यहाँ पर है, L कहाँ? यहाँ पर, कॉमन C। R से C तक जाना होगा, C से L तक। उल्टा सिंबल ये मिल गया, ये गलत हो गया। एनोनिम्स गॉट इट। Only three follows. All three follows. Only three follows. Only three. Only. Follows. Okay, okay. R से N तक जाना होगा। R यहाँ पर है और कहीं R है क्या? नहीं है, तो इसको काट दो डायरेक्टली, क्योंकि R ग्रेटर हो ही नहीं सकता, R स्मॉलर देन Y। D से O तक जाना होगा, D से R तक जाऊंगा, R से O तक। और कहीं है क्या? नहीं है। ये क्या है? उल्टा सिंबल मिल गया, इसको भी काट दो। नेक्स्ट D से Y, हाँ यहाँ पर तो ये सेम, इसको अलग यहाँ पर मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम चीज। डी इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ पर भी डी ग्रेटर देन वाई, सही है।
ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर, गुड नाइट।